अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KN24 HD न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बागे जिना ग्राउंड में, जहां पर चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान जो है तशरीफ ले आए हैं। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है बागे जिना ग्राउंड में इस वक्त लोगों की जो तादाद है, कराची के शहरियों की जो तादाद है वो इतनी है कि आपको नज़र आ रहा होगा मेरे बैक साइड पर। और इमरान खान साहब जो हैं वो खिताब कर रहे हैं जलसा गाह से, और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जोशो खरोश है लोगों में, और यहाँ जो है जज्बात लोगों के जो है उभर रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अजीज़, KN24 HD न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। हम अमेरिका, हम इनसे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। KN24 सच की आवाज आपको दिखा रहा है बागे जिना से लाइव। आप इस वक्त देख रहे हैं तहरीक इंसाफ का जो जलसा जारी है, इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं। इस वक्त में मौजूद मीडिया का कंटेनर लगाया हुआ है, इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मीडिया के लिए जो कंटेनर लगाया हुआ है तमाम मीडिया से यहाँ मौजूद है। इस वक्त यहाँ जलसे के दिखा सकते हैं अगर मेरा कैमरामैन आपको कि इस वक्त पब्लिक कितनी ज़्यादा मौजूद है यहाँ पर, और उनका जोश खरोश किस तरह का जारी है। इसके ज़्यादा पब्लिक जो है इस वक्त ग्राउंड के बाहर मौजूद है, जो अंदर आने के लिए जगह नहीं, इसको अंदर आने के लिए हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है, कन्फर्म किया है, तकरीबन पब्लिक ही पब्लिक मौजूद है। जो आप देख सकते हैं कि साथ में जो नीचे पब्लिक की खड़ी हुई है, जो नारेबाजी भी कर रहे हैं, और जहाँ सेफ्टी वॉल जो लगाई गई थी कि लोग जो है ना यहाँ पे नहीं आए, सेफ्टी वॉल जो लगाई गई थी उनको भी अवाम ने तोड़ दिया गया है। इस जलसे में खाली एक उर्दू स्पीकिंग नहीं, सिंधी, महाजिर, पठान सब ने शिरकत की है, और इमरान खान के साथ इजारे यकजहती कर रहे हैं, उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उनका पूरा साथ दे रहे हैं। जी नाज़रीन, आपको दिखा सकता है मेरा कैमरामैन कि इस वक्त जो यहाँ पंडाल के मनाजिर है, आप देख सकते हैं कि जहाँ तक हमारी निगाह जाएगी वहाँ तक सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक जो है सपोर्टर ही सपोर्टर मौजूद हैं। इसके बाहर जो ग्राउंड रोड्स हैं जहाँ ट्रैफिक बुरी तरह से जाम हो चुका है। जी नाज़रीन, KN24 सच की आवाज़ आपको दिखा रहा है जलसे गाह के बाहर के मनाजिर, जलसा अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। क्या महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के प्यार की वजह से इधर आए हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद से आए, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग होंगे, लेकिन PTI की आवाम यहाँ पर बहुत है और इतनी खुशी महसूस हो रही है। जलसा तो आज था, लेकिन कल हमने जब विजिट किया था रात को तो कल ही पब्लिक ने आना शुरू कर दिया था, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि लोग चाहते हैं कि वो इमरान खान को इतना, मतलब वो इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो सबसे पहले आके इमरान खान, अमेरिका का जो यार है। आप कहाँ से हैं पहले बताइएगा, आप किस इलाके से? हम मियांवाली से हैं, मियांवाली से। मियांवाली से स्पेशल जलसे में शिरकत करने के लिए? शिरकत करने के लिए है। इमरान खान अब हम लोगों की जिद बन गई है, पहले हम लोगों का कप्तान था, अब हम लोगों की जिद बन गई है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम जहाँ बैठे थे वहाँ आवाज़ सही नहीं आ रही थी, लेकिन उसका मैसेज जो कुछ है वो हम समझते हैं कि क्या है, और हम उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम आई हूँ इस जलसे में। आप किस इलाके से आई? गुलशन इकबाल से। जी जी, हम लोग वहीं से आए, गुलशन इकबाल से हम लोग। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा आप कौन से एरिया से आई हैं? बलूचिस्तान है, जौहर। जौहर से। अच्छा, तो आज रमज़ान है, आपने सहरी का इंतजाम करके आई हैं? जाके भी करेंगी? जाके करेंगे। इस वक्त टाइम तो तकरीबन 12:30 करीब टाइम हो रहा है, और अभी आप घर की तरफ रवाना नहीं हो रही हैं, अब जलसे के अंदर गई थी? हाँ बिल्कुल गए थे, हम यहाँ 6 बजे से बैठे हुए हैं। तो आप इमरान खान के सपोर्टर हैं? बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगी हुकूमत को? हुकूमत को ये कि अगले 10 साल तक सिर्फ इमरान खान आएगा। देखिए 10 साल तक पॉसिबल नहीं है ना, अभी तो 5 साल तो पूरे होने से पहले। नहीं, वो 10 साल तक आएगा, क्योंकि हम सपोर्टर हैं, पूरा पाकिस्तान उसके सपोर्ट में है। 99 अवाम जो है वो उसकी आपकी। रमज़ान का महीना हो या कोई भी महीना हो, पाकिस्तान के लिए कोई भी गलत बोलेगा या पाकिस्तान के साथ कोई भी गलत करेगा तो सारी अवाम तो जाहिर है बाहर निकलेगी। फिर इमरान खान का जो विजन था वो है सबसे पहले पाकिस्तान,
पाकिस्तान को बचाना है, इस हवाले से बता दें। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये लोग समझते हैं कि ये लोग कुछ भी कर ले, पाकिस्तान के साथ कोई बोलने वाला नहीं। आज आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कितनी आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और कितने आवाम को पता है कि हमें पाकिस्तान को कैसे बचाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, आप कहाँ से, कौन से एरिया से आए? मैं नॉर्थ कराची से आया। आप इतने जलसे में आए हैं, आप पहली दफ़ा जलसे में आए हैं किसी के यहाँ पे? आप जलसे में पहली बार जलसे में आया हूँ मैं, क्योंकि देखिए ये यूथ के लिए चल रहा है सारा कुछ। और सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए इमरान खान और बाकी लोगों को भी हमने बहुत चांस दिया, लेकिन नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान सबसे अच्छा है या बहुत अच्छा है, बट वो वाली बात है कि हमने सबको ट्राई कर चुका है, वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट थिंग वी कैन से वी आर विद यू इमरान खान। इमरान खान ने जो कहा है वो कहा है सबसे पहले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के वफाद में उन्होंने बातें की हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहूँगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान देखिए उन्होंने 3 साल 8 महीने काम किया, सिर्फ जो देखिए गलती इंसान से होती है, गलती उनकी एक ये थी कि उन्होंने उनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, बट हर चीज़ को एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है। आप पुराने बंदे लेकर आए, आपको नए लोगों को चांस देना चाहिए, पुराने लोगों को कन्वर्ट किया, इस तरह तो वही चीज़ें दोबारा रिपीट होती रहेंगी ना। आइडियोलॉजी अच्छी है, आप स्ट्रेटजी के साथ आइए, उसके बाद हम सब आपके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान जिंदा। ये आप लोग कहाँ से आए जलसे के अंदर, आप कौन से इलाके से आए? हम आए पटेलपाड़ा से और बड़े जोश से आए, इंशाल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा लाने की कोशिश करेंगे भरपूर। ये चोरों की हुकूमत नहीं चलने वाली इंशाल्लाह, ये आज एक कल नहीं है इंशाल्लाह ताला। आपको कैसा लगा जलसा, कितने तक कामयाब हुआ है? माशाल्लाह फुल कामयाब है, पिशावर से बड़ा जलसा ये है कराची। माशाल्लाह हम जलसे से आए गुलबई चौक से, माशाल्लाह बहुत मजा आया। और हम ये चाहते हैं कि ये जो है ना जलसा हमारे कराची के लिए एक भरपूर जो है ना निज़ाम बने और इस शहबाज शरीफ को हटा के इमरान खान को बिठाया जाए। और हम इस जलसे में आए हैं, माशाल्लाह बहुत सी पब्लिक आई है, बैठने की जगह नहीं थी लेकिन आवाम ने हिम्मत की, रोडों में रश था, लेकिन क्या, लेकिन पब्लिक के अंदर एक जोश और जज्बा था कि उसे यहाँ तक लेकर आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब 2 महीने के इंशाल्लाह ईद से पहले आप फारिग हो गए और आपकी हुकूमत किसी हाल में नहीं चल सकती, आप गरक हो गए। जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है खवातीन, आइए इनसे पूछते हैं। जी सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा आप कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ धोराजी से आई हूँ। जी ये बताइएगा आप जलसे में आई? मैं आज जलसे में आई हूँ। तो आपने किसी के जलसे में नहीं आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। इमरान खान के जलसे में क्यों आई? हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए। क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं बस इधर यही चाहूंगी कि अभी तक हम लोग बारियां देखते आ रहे हैं, अभी बारी नहीं देखनी है, हमें सच्चे लड़ने चाहिए और हमारे मुल्क के लिए जो ज़्यादा अच्छा हो और हमारी आगे नस्ल को चला सके उसे उसके बेहतर हो, जो किसी के गुलाम ना बने, जो हम आज़ाद अवाम हों। हमारे साथ मौजूद है सर मोहम्मद असलम फिकरी साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले बताइएगा कि जो आप जो है आपकी जो खिदमत हैं पीटीआई के लिए कब से अंजाम? मैं पीटीआई के लिए खिदमत मेरी कोई नहीं है, मैं कभी पीटीआई में नहीं रहा, लेकिन इमरान खान साहब से अल्लाह ताला ने वो काम लिए हैं कि जो हमारे उलमा हजरात जिनको करने चाहिए थे वो भी नहीं कर सके। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी, सीरतुल नबी को मैट्रिक तक लाजमी करार देना, वज़रा खारजा भुट्टो साहब की याद ताज़ा की इस्लामी साहबा कॉन्फ्रेंस की, और राइटर मायदा ताशकंद सैयद नजीउल्लाह यदुल्लाह का शागिर्दों मेरे अंकल थे वो, जो राइटर मायदा वो रशिया की वो याद ताज़ा की कि रशिया के तनाज़े के ऊपर जो आज़ाद मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये सिर्फ लीडर है तो इमरान खान, भुट्टो के बाद अगर कोई लीडर आया जिसने कौम को जगाया तो वो इमरान खान है। मैं उसका आज से फ़ैन हूँ, मैं इससे पहले उनका सख्त मुखालफिन में था, मैंने उनको लेटर भी लिखे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि उसकी काविश है इस मुल्क के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये काविशें उनकी जारी रहेंगी, वो झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, इंशाल्लाह भुट्टो की तरह फांसी के बंदे पर लटकने के लिए हर वक्त तैयार होंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसे आपने सुना जो इमरान खान के सपोर्टर्स की कि इन्होंने ये मैसेज दिया इमरान खान को, इमरान खान अपना कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कैमरामैन सिकंदर अली के साथ मैं मोहम्मद असद, KN24 HD News कराची।